अगर बच्चे आपसे जिद करते हैं मम्मी कैफे वाले सैंडविचेस खिलाओ, तो आप क्या करोगे? ये जो फॉर्मूला वगैरह तो पढ़ रही है, इसको तो लिख लिख के पढ़ना जरूरी है। ऐसे सो के कोई पढ़ाई करते हैं क्या? उठ बैठ के पढ़। कब से बोल रही हो, भूख लग रही है, खाना तो दे दो तब जाके पढ़ाई पे मन लगेगा ना। अच्छा, ऐसा थोड़ी ना होता है, जो जिसको पढ़ाई में मन लगता है ना, वो भूखा पेट भी पढ़ सकता है। पढ़ाई से मतलब है, अगर बच्चे ने डिमांड किया है तो उस डिमांड को तो पूरी करनी ही है। तो मैंने क्या किया, घर में जितनी भी सारी सॉसेस थी, जैसे बारबेक्यू सॉस, फिर मास्टर्ड सॉस, फिर है मेरे पास पेरी पेरी सॉस, तो बहुत तरह के सॉसेस है मेरे पास, डाइस्ड चीज़ भी है, मैंने ले रखी थी कि कभी ना कभी गर्मियों की छुट्टी में बनाऊंगी, और एक है मेयोनीज, साथ में लिया है मैंने चिली फ्लेक्स एंड ब्लैक पेपर पाउडर, ये लगभग सभी के घर में होता है। और मैंने लिया है बॉइल्ड श्रेडेड चिकन, आप चिकन की बजाय ब्रेड सॉरी आलू, पोटैटो, पनीर या कोई भी स्टफिंग्स आप डाल सकते हो। मैं बना रही हूँ बहुत इजी तरीके से टेस्टी वाला एक सैंडविच, ये कैफ़े सैंडविचेस भी आप कह सकते हो, बिल्कुल इसी तरीके से कैफ़े में भी तैयार किया जाता है। पूरा जो सैंडविच है ना, कैफे वाले जो सैंडविचेस होते हैं, उसमें क्रीम और सॉस एंड मेयोनीज और चीज़, इनका भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, तो उससे ज़्यादा टेस्टी हो जाता है, एनहांस होता है टेस्ट। मैंने सॉसेस भी इसमें उसी तरीके की यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने डाल दिया है चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर पाउडर, नमक से मैंने चिकन को बॉयल कर लिया था। बॉयल के समय में मैंने थोड़ा सा लहसुन और ऑनियन एंड ब्लैक पेपर के साबुत दाने दिए थे। जब वो बॉयल हो गया था तब मैंने उसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर लिया। अब मैं इसमें डालूंगी मेयोनीज। आप मेयोनीज ज़्यादा डालोगे तो वो ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा। मेरा मेयोनीज वैसे ख़त्म हो गया था, इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं डाल पाई। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। अब जब भी मेयोनीज इसमें डालोगे ना, क्रीमी सा एक टेक्सचर तैयार होगा। अब बारी आती है वो सॉस बनाने की। आपके पास तरह तरह के सॉसेस अगर है तो आप उन सबको यूज़ कर लो, अगर नहीं है तो टोमेटो सॉस एंड चिली सॉस तो सबके घर में होता है, आप उसी से ये प्रिपरेशन कर सकते हो। मुझे लग रहा था कि इसमें खट्टापन थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उस खट्टेपन को मिटाने के लिए मैंने मेयोनीज इसमें यूज़ कर रही हूँ। मेयोनीज इस यूज़ करने से इसका कलर भी थोड़ा सा लाइट हो जाता है, टेस्ट भी बढ़िया सा हो जाता है, और इसकी जो खट्टापन था ना, इससे मेयोनीज डालने से इसकी खट्टापन जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अब ब्रेड मैंने बाज़ार से सस्ते वाले ही लिया है, वैसे सैंडविच वाले ब्रेड मिलते हैं 50 रुपीज़ का, पहले मिलता था, अब 60 रुपीज़ का हो गया है। मैंने लिया है ग्रीनरी के लिए लेटूस के कुछ पत्ते, तो ये मैंने अभी इसमें स्प्रेड कर रही हूँ, जो सॉस मैंने बनाया था उस सॉस को। अब ऊपर से मैं डालूँगी चिकन, आप प्रिपरेशन कैसे भी कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। आपको वन बाय वन सारी चीज़ों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपके पास अगर सैंडविच ग्रिलर है तो आप सैंडविच ग्रिलर में कर सकते हो, या तो तवे पे। मेन है इसको सेकना, प्रिपरेशन तो हो गई है, आप ऐसे भी खा सकते हो अगर आप चीज़ नहीं डालते हो तो। मैं चीज़ डाल रही हूँ तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा इसको ग्रिल करना पड़ेगा, अदरवाइज़ अगर मैं सिंपल बनाती तो भी वो टेस्टी सा बनता, क्योंकि सारे जो इंग्रेडिएंट है वो सारे पके हुए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है बनाने के लिए। तो अब मैं इसको एक एक करके रख रही हूँ, और देखिए कैमरे के पीछे अभी आ चुकी थी कैमरा पकड़ने के लिए, थोड़ा सा बचा हुआ था तो इसने वो खा लिया, यही होता है हर बार। तो ये सारे जो आप ब्रेड देख रहे हैं, अब इन सबको मैंने ग्रिल कर लिया है। ये मैंने सिंपल सॉस से बनाया है। ये प्लेट, सेकंड वाली जो प्लेट आप देख रहे हैं, ये मैंने फ़ोटोग्राफी के लिए रखा था, तो थोड़ा सा अच्छे से डेकोरेट किया है इसको। और इसको अगर आपको पसंद आई इस रेसिपी को, तो आप घर में अपने बच्चों को ज़रूर बना के खिलाइए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।